नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर्थ की डांस क्लास में सेमी क्लासिकल नृत्य का प्रतिभागी कर रहे अभ्यास, नृत्य की विधा सीखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे प्रशिक्षणार्थी। सदर निवासी युवक के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 41,000 रुपए, युवक ने लाडगंज थाने में की शिकायत। कक्षा 5वीं और 8वीं का पुनः मूल्यांकन 16 से 23 मई तक किया जाएगा। इसके लिए 3,217 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। असफल विद्यार्थियों के लिए 3 जून से पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। जबलपुर जिले में आयोजित हुई 5वीं 8वीं की परीक्षा में इस वर्ष 9,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को असफलता का सामना करना पड़ा। असफल छात्रों के लिए 16 मई से 23 मई तक पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया चलाई जाने वाली है। इसके लिए 3,217 विद्यार्थियों ने आवेदन दिए हैं। सभी असफल छात्र छात्राओं के लिए 3 जून से पुनः परीक्षा का प्रावधान भी किया गया है। 23 अप्रैल को हमारा 5वीं 8वीं का वार्षिक परीक्षा फल आया था, जिसमें जो अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित बच्चे हुए हैं उनके लिए एक पुनः मूल्यांकन का और पुनर्परीक्षा का अवसर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिया गया है। इसी कड़ी में 13 मई तक अंतिम ऑनलाइन आवेदन के डेट थी, जिसमें कि हमारे पास 9,000 जो हमारे 5वीं और 8वीं में अनुत्तीर्ण बच्चे थे, उसमें से लगभग 3,217 बच्चे जो हैं वो पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करे हैं। अवकाश अवधि के कारण कुछ और बच्चे छूट गए हैं, जिनको कि हम पुनर्परीक्षा में शामिल करेंगे। तो ये 3,200 जो आवेदन आए हैं, इनका हम जिला स्तर पे संकलन करके प्रत्येक विकास खंड से उत्तर पुस्तिकाएं बुला लेंगे, और जिला स्तर पे डाइट के सहयोग से हम ये मूल्यांकन करेंगे 16 तारीख से 30 तारीख के बीच। इसके बाद जो यदि जो बच्चे पुनर्मूल्यांकन के बाद भी यदि परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए पुनर एग्जाम जो है वो 3 जून से। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों का भी कहना है कि पुनः मूल्यांकन का कार्य जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कराया जाना तय है। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला लाडगंज थाने का है, जहां सदर निवासी एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके क्रेडिट कार्ड से किसी ने 41,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सदर निवासी आशीष कुमार ने लाडगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसने गोल बाजार स्थित HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन कार्ड को एक्टिवेट करते ही 41,000 रुपए का फ्रॉड हो गया। बैंक को सूचना दी, लेकिन उसके अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते पुलिस में शिकायत दर्ज कराना पड़ी। मैंने क्रेडिट कार्ड नया लिया, फर्स्ट टाइम लिया। जिस तरह से मैडम का फ़ोन मेरे पास में आया, जिन्होंने मेरा इशू करवाया था, उनका फ़ोन मेरे पास में आया एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद में मैंने उनका फ़ोन कट गया, छोड़ दिया मैंने उसको। जब धौलपुर पहुँचूँगा मैं तो एक्टिवेट करवा लूँगा, पिन जनरेट करवा लूँगा मैं, ठीक है ना। तो उसी रिकॉर्डिंग में दूसरे फ़ोन भी मेरे पास में आ रहे थे, तो मैंने उसको इग्नोर भी किया 2-3 दिन। तो उसको जब मैं ब्रांच में आया, यहाँ पे सब किया मैडम, बैंक देखा तो बैंक बंद था, उसका कॉल आया मेरे पास अननोन नंबर से। मुझे लगा वही सर, जैसा वो मैडम का फ़ोन आया, सुभांशी मैडम का मेरे पास फ़ोन आया HDFC बैंक से, वैसे ये भी एग्जीक्यूटिव होगा, तो मेरा उसके उस गलती से मेरा शेयर हो गया सर। कितना सर? मेरी लिमिट थी क्रेडिट कार्ड की 42,000 की। हाँ। उसमें जो मेरा पैसा गया इसमें क्रेडिट कार्ड से 41,901 रुपए का गया। 41,901 रुपए। कहाँ रहते हैं सर? मैं रहता हूँ कैंट, सदर कैंट में। अच्छा। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले को जांच में ले लिया गया है। HDFC बैंक गोल बाजार का क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड का एक मामला संज्ञान में आया है, अभी शिकायत प्राप्त कर उसको जाँच में रखा गया। बहरहाल लाख चेतावनियों के बावजूद पढ़े लिखे लोग अनजान व्यक्तियों से OTP शेयर करके लूट का शिकार हो रहे हैं, इसलिए फ्रॉड की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अधिकांश वही लोग ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं जो पहली बार क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, लिहाजा सावधानियां जरूरी हैं। राइट टाउन स्टेडियम में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों से पैसों की वसूली का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मानव अधिकार आयोग ने संभागीय कमिश्नर से जवाब मांगा है कि मॉर्निंग वॉकर्स से शुल्क क्यों मांगा जा रहा है।
राइट टाउन स्टेडियम में जनता से पैसों की वसूली को लेकर मानवाधिकार आयोग ने संभागीय कमिश्नर से जवाब मांगा है। छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों से स्टेडियम के मेंटेनेंस के नाम पर मॉर्निंग वॉक और अन्य फिजिकल ट्रेनिंग के लिए शुल्क मांगा जा रहा है। शुल्क नहीं देने पर उन्हें स्टेडियम में एंट्री नहीं दी जा रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्य पीठ भोपाल में अध्यक्ष मनोहर मानी एवं सदस्य राजीव कुमार टंडन ने मानव अधिकार के हनन का मामला मानकर आयुक्त जबलपुर से जवाब तलब किया है। बहरहाल मानव अधिकार द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिए जाने से मॉर्निंग वॉकर्स एवं खिलाड़ियों में उम्मीद जागी है कि उन्हें बिना वजह की आर्थिक प्रताड़ना से मुक्ति मिलेगी। दैनिक भास्कर, समरकंद की डांस क्लास में प्रतिभागियों को सेमी क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। सेमी क्लासिकल नृत्य की विधा सीखने को लेकर प्रशिक्षणार्थियों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप में आयोजित डांस क्लास में सेमी क्लासिकल डांस सिखाया जा रहा है। इस डांस फॉर्म को सीखने के लिए प्रतिभागी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों के अनुसार प्रशिक्षक ने इतने दिनों की क्लास में 4 गानों पर नृत्य की प्रैक्टिस पूरी कराई है, जिसमें क्लासिकल डांस भी शामिल है। दैनिक भास्कर समर कैंप में सेमी क्लासिकल डांस क्लास चल रही है सुबह 10 से 11 बजे तक और ये 17 तारीख तक है। और यहाँ पर अभी तक बच्चों ने 4 गानों पे सीख लिया है डांस और साथ ही साथ कुछ बेसिक्स भी सीख रहे हैं। दैनिक भास्कर में समर कैंप सेमी क्लासिकल डांस सुबह 10 से 11 बजे वो 10 से 11 बजे तक का है और यहाँ पे बहुत अच्छा डांस होता है और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। अभी तक बहुत से गाने हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की मैम लोग भी अच्छी हैं और यहाँ का डांस भी बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ सेमी क्लासिकल डांस सीखने आई हूँ और बहुत सारे अभी सॉन्ग्स कवर किए हैं हम लोगों ने। बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास, बहुत सारे न्यू स्टेप्स बता रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं समर कैंप में सिखाई जा रही अन्य विधाओं को सीखने के लिए भी प्रतिभागी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पटवारी के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से मुलाकात की एवं पटवारी जागेश पीपरे के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। कलेक्ट्रेट बार एवं जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से मुलाकात की और पटवारी जागेश पीपरी के द्वारा वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। वकीलों ने आरोप लगाया कि दलालों की सक्रियता से भी आवेदक परेशान है। राजस्व न्यायालय की समस्याओं को लेकर हम सब अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में आज कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। आपके तहसील अधारताल के पटवारी महोदय जागेंद्र पीपरे महोदय के द्वारा जो वकीलों के साथ अभद्रता की गई थी उस संबंध में उन्हें उनकी शिकायतें प्रेषित की गई। हम लोगों के पहले भी उनके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें माननीय महोदय के समक्ष हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इसमें तत्काल कार्रवाई होगी और सार्थक परिणाम आपके सामने आएंगे। हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से एक निवेदन था कि राजस्व न्यायालय जो है उसे दलाल मुक्त न्यायालय बनाएं और जो तहसीलदार महोदय एसडीएम महोदय समय पर न्यायालय में नहीं बैठते हैं इनका समय निश्चित किया जाए कि ये इतने समय पर न्यायालय में बैठेंगे। अभी किसी न किसी बहाना बना के नहीं बैठते हैं तो अधिवक्ताओं को भी परेशानी होती है और पक्षकारों को भी परेशानी हो रही। कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट हम लोगों को आश्वासन दिया है कि टाइमिंग फिक्स की जाएगी कि इतने टाइम से इतने टाइम समस्त राजस्व न्यायालय के
पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। प्राइवेट कर्मचारियों के संबंध में भी हमने अपनी बात रखी थी कि न्यायालय में प्राइवेट कर्मचारी बैठ रहे हैं। प्राइवेट कर्मचारी के बैठने से क्या होता है, न्याय भंग होता है और जो आदेश पारित किए जाते हैं वो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आदमी वहाँ पर जो है दलाल सक्रिय हो जाते हैं और उसको अपने स्तर पर अपने समर्थन में प्रयास करते हैं। तो आज हमारे अध्यक्ष साहब ने ये बात करी, मनीष मिश्रा जी ने ये बोला है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, उनको अवगत कराया है और उन्होंने बोला कि हम इस समय सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नहीं देखिए, ये पटवारियों के साथ विवाद अभी जो आया है वो परसों के दिन वकील साहब लोगों के साथ कुछ विवाद हुआ था, एक पर्टिकुलर किसी केस के संदर्भ में विवाद हुआ था, सीमांकन को लेकर मौके पर कुछ झगड़ा था। आज सभी वकील साहब लोगों से मेरी सुबह अपनी बात हुई है, उन्होंने अपनी बात मेरे सामने रखी है, पटवारी संघ के लोगों के साथ भी मैं बात करूंगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी यथोचित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारे विभाग के यदि कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी यदि हैं, तो उनको इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी के साथ मिसबिहेव करें। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को एक पत्र भी सौंपा है। चरगवा के राघव वेयर हाउस में पुराना और घुना हुआ गेहूं मिलने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों और खरीदी केंद्र प्रभारी एवं वेयर हाउस संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि बकाया भुगतान होल्ड कर दिया गया है, वहीं वैल्यूएशन के बाद सोसाइटी से भी वसूली की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि जितनी भी बोरियां मिली हैं उनमें किसी में भी टैग नहीं लगा है, लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गेहूं अपात्र लोगों के हो सकते हैं, जिसकी जाँच भी की जा रही है। देखिए, मौके पर यदि मान लो एक बोरी भी पुराने गेहूँ का और घुने हुए गेहूँ का मिलता है तो जाहिर तौर पर लापरवाही की गई, बल्कि लापरवाही नहीं, इसको मैं मिलीभगत कहूँगा, इसमें हमारे लोगों की संलिप्तता रही है। जो सोसाइटी के लोग हैं, वेयरहाउस का जो संचालक है, जो हमारे सर्वेयर हैं और जो समिति के प्रबंधक हैं, जो ऑपरेटर हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो है इस तरह का कृत्य किया है। मोटे तौर पर कल रात को जो चेकिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी लेकिन अंदर की लेयर में ख़राब माल, घुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को प्रेषित भी की थी। आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा और कितना गेहूँ ख़राब है उसका पूरा वैल्यूशन करेंगे। भाई इस तरह के जिस तरह का केस ये निकला है, उस तरह के केसेस दूसरे वेयरहाउसेज में बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अभी सभी अधिकारियों को ही कहा है कि जितने भी नोडल अधिकारी हैं, सारे नोडल अधिकारी अपने अपने वहाँ जाएंगे और जाके चेक करेंगे। बेसिक चीज़ आप इसको जो आपको समझ में आएगा वो ये कि जितनी बोरियाँ ख़राब हैं इन सारी बोरियों पर टैग लगा होने ताकि ये पता पड़ सके कि किस किसान का है। आप देख रहे होंगे शुरू से ही मैं इस बात को लेकर जोर देता रहा हूँ कि जब भी आप गेहूँ अपना बेचने जाएं आप इस बात को तब तक वहाँ बने रहें जब तक कि आपकी बोरी में आपका टैग नहीं लग जाए। कलेक्टर ने अन्य वेयर हाउस की जांच के भी निर्देश दिए हैं। राघव वेयर हाउस में पहुंची टीम के द्वारा बुधवार को भी जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। कशपुरा ब्रिज के फुटपाथ पर अवैध रूप से जमी सब्जी और फलों की दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने कार्यवाही की। इस दौरान सामान की जब्ती भी की गई। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। एक दिन पूर्व जिन अतिक्रमणकारियों को कछपुरा रेलवे क्रॉसिंग और गुलौवा तालाब से हटाया गया था, उन्होंने कछपुरा ओवर ब्रिज पर डेरा जमा लिया था। उन अतिक्रमणकर्ताओं को खदेड़ने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने अभियान चलाया। इस दौरान ओवर ब्रिज के फुटपाथ को खाली कराया गया, साथ ही अस्थायी अतिक्रमणकारियों की सामग्री जब्त की गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। बीच रोड पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े शातिर बदमाश को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश अंकुर राय है और इसके विरुद्ध थाने में आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध है। गढ़ा पुलिस ने क्षेत्र के शातिर बदमाश अंकुर राय को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बीच रोड में गाली गलौज करते हुए किसी से मारपीट करने की फिराक में था। अंकुर आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध गढ़ा थाने में ही आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि अंकुर के द्वारा मारपीट और उपद्रव मचाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल जानकारी लगी कि अंकुर राय जो क्षेत्र का गुंडा बदमाश भी है, कल के दिन थाना गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत मारपीट करने के लिए आमादा था, रोड पर खड़े होकर गाली गुफ्तार कर रहा था, जिसे अभिरक्षा में लेकर जिसके विरुद्ध धारा 151 के तहत कार्रवाई कर SDM न्यायालय में पेश किया गया है। इसके विरुद्ध लगभग थाना गढ़ा क्षेत्र में 6 से 7 अपराध हैं
और भविष्य में ऐसे और भी अन्य गुंडे बदमाश जो सक्रिय हैं उनके विरुद्ध भी भविष्य में प्रभावी कार्रवाइयां की जाएंगी। गढ़ा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एक और मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।